क्या कोई रेप और कत्ल जैसी भयानक वारदात को अंजाम देकर बिल्कुल बेफिक्र हो सकता है? जिसकी तलाश पुलिस कर रही हो वो बेपरवाह हो सकता है, उसे ये पता भी चल जाए कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, फिर भी वो इत्मीनान से सो सकता है? सुनने में ये अजीब लगेगा, लेकिन ये सारी बातें 16 आने सच हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं, वो कोलकाता के आरजी कर रेप केस के आरोपी संजय रॉय का खौफनाक सच है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने एक के बाद एक खुलासे किए जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस की पूछताछ में आरोपी संजय रॉय ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसको सुनकर हैरानी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है कि जो भी हैवानियत उसने की वो कोई इंसान कैसे कर सकता है। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय ने जब अपनी जुबान खोली उसके असली चेहरा जो है सामने आने लगा। संजय राय ने बताया कि उसने सेमिनार हॉल में जाते ही पीड़िता के साथ रेप करने का प्रयास किया। उस वक्त ट्रेनी डॉक्टर गहरी नींद में सो रही थी। संजय ने जब लेडी डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने इसका विरोध किया। इस दौरान संजय को हल्की चोट भी आई, लेकिन संजय की नीयत अब पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसने ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया और जब उसने शोर मचाना शुरू किया तो संजय ने उसका गला दबा दिया। डॉक्टर के शोर मचाने पर संजय का गुस्सा और बढ़ने लगा, उसे घबराहट होने लगी तो उसका गला दबा दिया। संजय ने उस डॉक्टर का गला तब तक दबाया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। क्योंकि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था, इसीलिए लेडी डॉक्टर खुद को संजय के चुंगल से नहीं छुड़ा पाई। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे तड़प तड़प कर डॉक्टर ने अपनी जान दे दी होगी। कोलकाता पुलिस जब उसको ढूंढती हुई पुलिस के बेरक में पहुंची तो नशे में धुत वो वहीं सोता हुआ नजर आया। संजय ने पुलिस के सामने तुरंत अपने गुनाह को कबूल कर लिया और कहने लगा कि मुझे फांसी दे दो। हैरानी वाली बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नजर नहीं आई। पुलिस की पूछताछ में उसने एक एक राज से पर्दा उठाया जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अब जब आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, दरिंदे को फांसी देने की मांग हो रही है, हो सकता है कुछ दिनों बाद फांसी की सजा सुना दी जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या उस लेडी डॉक्टर को इंसाफ मिल जाएगा जो अपने सपने उसने देखे थे, जिस सपने को उसे जीना था। इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है, खासकर डॉक्टरों से लेकर आम आदमी तक सड़कों पर उतर चुका है, आंदोलन हो रहा है, ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या है जो ममता सरकार की नीयत पर संदेह हो रहा है? क्या कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है? अब डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सड़क पर छात्रों का बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। छात्रों ने ममता बनर्जी से इस्तीफा देने की मांग की है। छात्रों ने इस आंदोलन को नवन्ना अभियान नाम दे दिया है। सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। छात्रों के हंगामे और आंदोलन को रोकने के लिए ममता सरकार की पुलिस सड़क पर उतर गई। छात्रों के आंदोलन को चलने के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था ताकि आंदोलन तक जो है आंदोलन खत्म हो जाए। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच कई जगहों पर नोकझोंक हुई। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, लेकिन भीड़ की यही मांग है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें। अगस्त का महीना ममता बनर्जी सरकार के लिए काफी भारी पड़ रहा है। ट्रेनी डॉक्टर की मौत ने पूरे देश में ममता सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार को भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि यह मुद्दा इतना ज्यादा लंबा चलेगा और आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसके बाद सरकार की काफी फजीहत हो जाएगी। अब मौके की नजाकत को समझते हुए बीजेपी भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर है। बीजेपी इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने कल पश्चिम बंगाल में बंद का आह्वान किया। खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराधी बेकाबू हो चुके हैं। बीजेपी कल बंद बुला रही है। बीजेपी ने सरकारी संगठनों से भी अपील की है कि वो बंद में सहयोग करें, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर हैं कि वो कम नहीं हो रहे। ममता बनर्जी ने नोटिफिकेशन जारी करके आदेश दिया है कि कल कोई बंद नहीं है, सभी को ऑफिस आना है, सभी दफ्तर खुले रहेंगे। यही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ड्यूटी से गैर हाजिर रहेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक तरफ बीजेपी कल बंद बुला रही है तो ममता बनर्जी ने उसके जवाब में आंदोलन को खत्म करने का प्लान भी शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर कल क्या होगा, बीजेपी का बंद सफल होगा या फिर ममता बनर्जी आंदोलन को काबू करने में
कामयाब होगी। इन सबसे सबके बीच अगर कोई बात रह गई तो वो वही सवाल कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर को क्या मिला, उसकी मौत के बाद उसके परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। सवाल एक बेटी का नहीं पूरे देश की ऐसी बेटियों का है जो ऐसे दरिंदों की हवस की शिकार बन रही है। कौन जवाब देगा, कब तक इंसाफ मिलेगा? बेटियों के लिए कानून तो बहुत बने हैं लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी वरना ये सब चलता रहा तो बेटियों की बलि होती रहेगी, भीड़ आंदोलन करती रहेगी, नेता सियासत करते रहेंगे, इंसान टकटकी लगाए बेबस आंखों से सब कुछ देखता रहेगा।